ये कहानी है अपनी टूट सिटी की, जहाँ पे एक बंदे को एक भूतनी या भूत भी कह सकते हैं वो पकड़ लेती है, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था और वो ऐसे सुनसान इलाके में जा रहा था, वहीं पे उसे एक भूतनी पकड़ लेती है। तो चलिए जानते हैं उसकी स्टोरी, कैसे उसे एक भूतनी अनजान शहर में पकड़ लेती है। चलो चलो भी किसी ना घर चलते। अरे नहीं नहीं मैं सिर्फ तुम्हें घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, फिर मैं अपनी जॉब पे चल जाऊंगा वापस। ये क्या जॉब, जॉब एक जॉब क्या लग गया आपके टैक्सी ड्राइवर की, बस अब वही जॉब लेके बैठ जाना। अरे आप वही जॉब लेके बैठ जाना। क्या भी किसी ना वैसे जॉब करती रहते हो। अरे तू जा रही। अरे क्या इतने टाइम बाद में ये जॉब मिली और इतने टाइम बाद मुझे पैसे कमाने का मौका मिला है, तुम तो सारे पैसे खर्च कर देते हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और गाइस आप लोग आ गए, सो हियर से कैसे हैं आप लोग। सो गाइस आप देख सकते हैं सिंचन और हमेशा जॉब जॉब करते रहते हैं, मतलब पैसे पैसे करते रहते हैं, और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। गाइस अब पैसे खत्म हो चुके हैं इसलिए मैंने अपने लिए जॉब लगवा दिया है। चलो गाइस अभी मैं इन्हें सिंचन और मसाओ और जैक को घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं अपनी जॉब के लिए निकल जाता हूँ। और यहाँ वैसे मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। चलो गाइस अब हम घर चलते हैं। चलो चलो ठीक है ये भी किसी ने को जाने तो जॉब पे। सो गाइस अब हम घर पे चलते हैं। हाँ जल्दी जल्दी निकलो अब घर के लिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। चलो गाइस मैंने इन्हें सबको तो छोड़ दिया, अब मैं चलता हूँ जल्दी जॉब पे अपनी। सो गाइस अब मैं चलता हूँ, और गाइस मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ ना, तो कोई भी मैसेज कर सकते हैं मुझे कभी भी। ओके सो गाइस अब हम क्या करते हैं कि कब तक कोई मैसेज आता है। वैसे मुझे क्या लगता है इतनी रात तक तो कोई मैसेज आएगा नहीं, क्योंकि गाइस इतनी रात को कौन खड़ा रहता है। फिर भी मेरी नाइट शिफ्टिंग लगी है तो गाइस मुझे नाइट के लिए तो निकलना ही पड़ेगा बाहर को। सो गाइस अब मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कहाँ पे मुझे वो मिल जाएगा टैक्सी का पैसेंजर। A few moments later. और गाइस मैं बहुत ज़्यादा टाइम से घूम रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कोई पैसेंजर का मैसेज नहीं आ रहा। चलो मैं यहाँ इंतजार करता हूँ कभी मैसेज आ जाए। 2 hours later. सो गाइस अभी तक भी मैसेज नहीं आया। अरे गाइस मैसेज आ चुका है। सो गाइस मैं देखता हूँ कहाँ पे आया मैसेज। अच्छा तो गाइस मुझे उधर की तरफ जाना है। सो गाइस आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है। सो गाइस मुझे उधर जाना है क्योंकि वहीं पे आया ना जो मैसेज आया। चलो गाइस अब मैं चलता हूँ। गाइस इतनी रात को कौन बुला सकता है मुझे। किसी ने वहाँ के लिए निकल गया लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे उसकी मौत बुला रही है। चलो अब देखते हैं आगे। सो गाइस चलो नाइट शिफ्टिंग लगी है, बुलाते होंगे रात को। और गाइस ये आवाजें कैसी सी आ रही हैं यहाँ पे कुत्तों बिल्लों की। सो गाइस बहुत ज्यादा डरावना सीन लग रहा है और गाइस बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और गाइस यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने लाइटें भी लगवा रखी। सो गाइस काश वो लाइटें लगवा देते नहीं तो यहाँ पे सब कुछ दिखता, और गाइस हमारी टैक्सी में भी लाइटें नहीं है। चलो कोई बात नहीं गाइस मैं आ तो चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन गाइस यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा है मुझे, किसने मुझे मैसेज किया होगा। और गाइस मैं यहाँ तक आ चुका हूँ लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाते हुए। और गाइस ये क्या खड़ा है ये, अच्छा इन्होंने मैसेज किया होगा। अरे आपने ही मुझे मैसेज किया था यहाँ पे आने के लिए। चलो गाइस ये तो पता नहीं बोल नहीं रहे हैं कुछ, मुझे लग रहा है डर चुके होंगे। चलो कोई बात नहीं आप जल्दी जल्दी उसमें बैठ जाइए, मैं टैक्सी यहीं पर ले आता हूँ। चलो गाइस मैं यहाँ टैक्सी ले आता हूँ और गाइस ये बैठ जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं ले आया हूँ, आप गाइस जल्दी जल्दी बैठ जाए। गाइस मुझे लगता है वो बैठ चुके होंगे। चलो गाइस अब मैं चलता हूँ। अच्छा वैसे आपको जाना कहाँ है। अरे गाइज ये कुछ बोल ही रहे। चलो कोई बात नहीं गाइज मैं चलते रहता हूँ आगे की तरफ। और गाइज यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सुनसान पड़ा है, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है मुझे। चलो गाइज मैं आगे चलते रहता हूँ। और गाइज ये क्या, ये कौन पड़ा है यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई मरा हुआ पड़ा हुआ है। सो गाइज आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है यहाँ पे कोई मरा हुआ। सो गाइज आप देख सकते हो, अरे ये कौन है। अरे गाइज ये तो वही हमारा वो पैसेंजर। अरे ये यहाँ पे कौन मरा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कोई मरा पड़ा हुआ है। अरे हाँ यहाँ पे आन ध्यान मरे पड़े रहते हैं मरे हुए, मैं तो बहुत देखे हैं ऐसे लोग मरे हुए। अरे क्या इसने बहुत देखे हैं ऐसे लोग मरे हुए, इसका मतलब क्या है। चलो कोई बात नहीं गाइस ये मरा हुआ है, और गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना डरावना सीन लग रहा है। चलो कोई बात नहीं हम इसे साइड में रख देते हैं अभी के लिए। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं रख दिया इसे। चलो गाइस अब मैं चलता हूँ। और गाइस यहाँ पे वो, अरे गाइस यहाँ पे पैसेंजर खड़ा था वो कहाँ गया। और गाइस आप देख सकते हो मेरी कार का क्या बन चुका है, तो टूट चुकी है। अरे गाइस मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। सो गाइस आप देख सकते हैं, अरे गाइस यहाँ पे वो पड़ा था इंसान मरा हुआ, वो कहाँ चले गया। सो गाइस यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। और गाइस मेरा हाथ कहाँ चले गया, ये क्या हो गया मेरे हाथ साथ। सो गाइस ये बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है गाइस, मुझे यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। सो गाइस वो पैसेंजर तो कहीं भूत नहीं था, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस। चलो गाइस अभी मैं जल्दी जल्दी घर पे चलता हूँ। और गाइस ये तो बहुत ज्यादा डरावना सीन था, इस टाइम बहुत ज्यादा डर लग रहा है मुझे। और फिर भी किसी ने अपने घर के लिए निकल गया
लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अपने साथ अपनी मौत को भी लेके जा रहा है। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलो गाइस अब मैं घर पे चलता हूँ। गाइस जब तक मैं घर पे जा रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को शाउट आउट भी दे देता हूँ। सो गाइस आज के लोग का सबसे शाउट आउट जाता है लीजेंड ओपी प्लेस को, और दूसरा शाउट आउट जाता है हिंदुस्तानी एसजी गेमर को, और तीसरा शाउट आउट जाता है मॉन्स्टर स्ट्रेंज को, और चौथा शाउट आउट जाता है हार्दिक द इंडियन गेमर को। और गाइस मैं अपने घर के पास आ चुका हूँ और गाइस मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा, सब सुनसान पड़ा हुआ है। चलो कोई बात नहीं गाइस, अब मैं जल्दी घर पे जाके सो जाता हूँ क्योंकि गाइस मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो गाइस गुड नाइट गाइस। अब विकिस ने सो चुका है लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी। अब पता तो कल ही लगेगा कि आगे क्या होता है। बने रहिए कहानी के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, चलो मैं उठ जाता हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइस सुबह हो चुकी है। विकिस ने गुड मॉर्निंग, अरे विकिस ने ये क्या बन चुका है ट्रक का? अरे तुझे नहीं पता रात को कितना ज्यादा डरावना सीन हुआ? ओए विकिस ना, वैसे मुझे एक बात पूछनी है। अरे बात में अपनी बात बाद में पूछियो। अरे विकिस ना मुझे ये पूछनी है, विकिस ना मुझे डर लग रहा है। तो क्या नाचो मैं? अरे तुझे क्यों डर लग रहा है? अरे विकिस ना मुझे एक चीज पूछनी है आपसे। अरे चुप रहो, तुम कैसे पूछते रहते हो, कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी बकवास भगते रहते हो। विकिस ने बहुत डरावनी चीजें। अरे हाँ मुझे ही पता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ? ये क्या रात को क्या हुआ आपके साथ? अभी तो तुम बोल रहे थे कि मेरे साथ कोई डरावनी चीज लगी हुई है। या वही तो बोल रहे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके कंधे पे कौन बैठा हुआ है? मेरे तो लग गए। क्या क्या बोला तूने? ये आपके कंधे पे कोई बैठा हुआ है ये बोल रहा हूँ मैं। अरे गाइस मेरे कंधे पे कौन बैठा हुआ है? ओए यार मैं भी तो यही कहना चाहता था। अरे आप मुझे भी कंधे पे आपके कोई दिख रहा है? अरे कौन दिख रहा है मेरे कंधे पे? सो गाइस मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये क्या आपको नहीं दिख रहा, क्या मुझे दिख रहा है? चलो गाइस मुझे कुछ पता लगाना पड़ेगा कि मेरे कंधे पे क्या। और गाइस ये ड्रामा सीन रात को क्या, मुझे लग रहा है भूत आ चुका है और गाइस ये भूत को भगाना पड़ेगा हमें। चलो गाइस वो मैं अगले पार्ट में भूत को भगाऊंगा। गाइस ये भी पता लगाऊंगा ये भूत हमारी सिटी में आया कहां से। और गाइस ये तो बहुत ज्यादा डरावना था, रात को मुझे बहुत डर लग रहा था। और गाइस मेरे सपने में भी यही आया था कि मेरे कंधे में कोई है। चलो गाइस वैसे मैं आपको अगले पार्ट में दिखाऊंगा। और गाइस ये तो वही इंसान लग रहा है, एक के अंदर एक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। चलो गाइस मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। और गाइस तब तक मुझे लगते हैं सुनो समाप्त करने का वक्त आ चुका है। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं आपको वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।